फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने रियलमी P1 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आप अपने मोबाइल फोन से कॉल करते समय यानी कॉल करते हैं तो आवाज़ जो है नहीं जाती है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप होता है, इसे फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप कर लेना है। अब आपको इस पेज में एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का जो माइक होता है ना छोटा सा, उस माइक को हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता है क्या, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण कॉल पे बात करते समय आवाज सामने वाले पर्सन को नहीं जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना माइक को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी, नहीं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो हो जाता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा एक, ये सॉरी गलती से दूसरा ऑप्शन टैप हो गया, ये वाला ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट। इस फैक्ट्री रीसेट के ऑप्शन को टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका जो है ना ये फिर से एक पेज आ जाएगा, इसमें आपको दोबारा इरेज डेटा पर टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपको अपने मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप ले लेना है अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए सारे तरीके आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।